हेलो फ्रेंड्स, रिफॉर्म इलेवन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों का लेक्चर चल रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम के में हम लोग आज पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा, कोई नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यदि आप इस क्लास को नहीं अटेंड किए हुए हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से लिंक को देख लेकर वीडियो को देख सकते हैं। प्लीज, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने अदर फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो आज हम जानेंगे कोई बाइनरी नंबर सिस्टम है उसको हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला कोई नंबर दिया गया है 11001, ये बाइनरी नंबर है, इसको हम ऑक्टल में हमको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रेंड्स, यदि हम किसी भी बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो हम मीन्स वंस के साइड से 3-3 का पेयर बनाते हैं। तो इसमें टोटल कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 3-3 का तो पेयर नहीं बन सकता। बनाएंगे हम कैसे? हम यहाँ पे सबसे पहले 3 डिजिट ले लेंगे, यानी 001, और यहाँ पे 11 हुआ। हम यहाँ नेक्स्ट टाइम लिखते हैं 110, इसको एक पेयर हो गया, 001 हो गया। मैं ऐसा मीन से जीरो लगाऊंगा जिससे आपके कोई भी नंबर्स का वैल्यू चेंज ना हो। अगर हम किसी भी नंबर्स के मीन आगे जीरो लगा दें तो वो आपका बिल्कुल 90 इक्वल ही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारा डिजिट भी 3 हो गया और नंबर भी नहीं चेंज हुआ। तो इस तरह से हम यहाँ पे 0 लगा के 3 डिजिट बना लेंगे। यदि आपके पास ऐसा कुछ नहीं नंबर्स है, जैसे कि हमारे यहाँ 5 डिजिट है, यदि 6 होता तो मैं आराम से कर लेता, बट यहाँ पे 5 है तो एक डिजिट आपको लगाना है। तो आप ऐसे कंडीशन पे लगाइए जिससे आपके वैल्यू चेंज ना हो। तो हम इसको करने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे 2 का, फिर से वही फॉलो करेंगे 0, 1 एंड 2, फिर 0, 1 एंड 2। हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे 0 मल्टीप्लाई बेस है आपका 2, पावर क्या है 2 है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बेस पावर 2 पावर 1, प्लस 1 मल्टीप्लाई बेस पावर 0। नेक्स्ट 1 पेयर कंप्लीट हुआ, सेकंड पेयर है आपका 0 मल्टीप्लाई बेस 0 की पावर है 2, प्लस 0 मल्टीप्लाई बेस बेस की पावर है 1, 1 लगाएंगे, प्लस 1 मल्टीप्लाई बेस 1 की पावर 0 है, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे हम, यहाँ पे सॉरी आप ऑक्टल लगा देंगे, यहाँ पे 2 हटेगा तो आपका ऑक्टल मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 2 2 4 4 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, प्लस 2 का पावर 1 है यानी 2 ही होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 2 के पावर 0 है इसका वैल्यू 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग पेयर में चलेंगे 0 0 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 है तो 2 2 4 मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे 0 है, 0 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 के पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे इसका बेस 8 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दें हम, यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, यानी कि आपका आएगा 31, ये आपका ऑक्टल होगा। तो शायद आपको समझ में आया। फ्रेंड्स, कोई भी इसमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगे आपको, बिल्कुल आप इसको फॉलो कर लेंगे। जैसे कि हम क्या करेंगे, कोई भी डिजिट दिया जाएगा, आप वंस के साइड से उसको 3-3 का पेयर बना लेंगे। 3 का पेयर बनाने के बाद शायद आपको बाइनरी टू डेसिमल समझ में आया होगा। अगर बाइनरी टू डेसिमल समझ में आया होगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। हम नंबरिंग कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, यदि आप इसको जान जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये सही है या फिर गलत है इसको देखने के लिए हम ऑक्टल टू बाइनरी फिर से करते हैं। उसको करने के लिए हम यहाँ पे फिर से सॉल्व करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी में हम करते हैं, मान लीजिए 31 है आपका और ये 8 मींस ऑक्टल है, इसको बाइनरी में करना है 11001, ये आपको प्रूव करना है। इसके लिए हम करते हैं 3 एंड 1, हम यहाँ पे अलग से 3 का पहले डेसिमल वैल्यू निकालते हैं, मींस 2 1 2 1 कैरी मींस 1 शेष पर बचा हुआ आपका, तो 1 कौन कर देंगे हम, नीचे से ऊपर करते हैं 11 आ गया, और 1 तो आपका पहले से ही बाइनरी है, 1 तो बाइनरी होता ही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मींस 3 का 11 आ गया। हम जानते हैं किसी भी बाइनरी को जब ऑक्टल में करते हैं तो 3 का पेयर बनाते हैं, जब किसी ऑक्टल को बाइनरी में करते हैं तो हम उसमें मैक्स मिनिमम जो है 3 डिजिट लेते हैं। तो यहाँ पे 3 का 2 ही डिजिट है, हमको 3 डिजिट बनाना है तो यहाँ पे 0 लगा लेते हैं।
वन आपका मींस बाइंडिंग स्वयं है बट ये यहाँ ऑक्टल है, तो हम इसको जब बाइंडिंग में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे इसके सामने मींस स्टार्टिंग में डबल जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, हम यहाँ पे इरेज करके लिखेंगे थ्री थ्री का जीरो वन वन हो जाएगा एंड वन का वन सॉरी जीरो जीरो वन, इसको हम लिखेंगे इसकी बाइंडिंग क्या हो जाएगी जीरो वन वन डबल जीरो वन। फ्रेंड्स ये हमारा आंसर है, यहाँ पे जीरो का वैल्यू नहीं है, आप इसको हटा के वन वन डबल जीरो वन ये आपका प्रूफ हो गया। सर आपको समझ नहीं आया, बिल्कुल सिंपल सा है, क्या करना है कोई भी वैल्यू दिया जाए आपको, जैसे कि यहाँ पे थ्री वन है, मान लीजिए आपको यहाँ पे फाइव और टू दिया जाए, फाइव और टू चूंकि हम जानते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है एट, मीन्स जीरो से एट के बीच में कोई भी वैल्यू होगा और दिया जाएगा आपको, सॉल्व करने के लिए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें करना क्या है आपको, बस उस नंबर्स का पहले आप डेसिमल वैल्यू निकाल दीजिए। डेसिमल कैसे निकालेंगे, फाइव का निकालना जानते हैं, फाइव में आप जाएंगे मीन्स टू से डिवाइड करेंगे, टू टू जा फोर वन के मीन्स बचा हुआ, फिर टू वन जा टू जीरो हुआ, वन जीरो वन यानी ये थ्री का पेयर है, इसको आपको कोई भी टचिंग नहीं कर रहा है। फिर टू का जब निकालेंगे टू यहाँ पे लिखेंगे टू टू वन जा टू जीरो बचा यानी वन जीरो, इसका थ्री पेयर बना रहे हैं, आप यहाँ पे जीरो लगा दीजिए। उसके बाद जैसे जैसे हमारा डिजिट है वैसे हम उसका वैल्यू फाइंड कर देंगे, जैसे कि फाइव का है तो फाइव का आया है वन जीरो वन, यहाँ पे लिखेंगे इसकी बाइंडिंग हो जाएगी वन जीरो वन एंड टू का है जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो, ये आपका क्या आ गया बाइंडिंग, बिल्कुल सिंपल सा है। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम इसी में देखते हैं कोई भी अगर आपको बाइनरी को सॉरी ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है फिर हम क्या करेंगे। फ्रेंड्स यदि हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है कोई ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है फिर हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। इसलिए हम नोट कर लेते हैं, पहले नंबर को हम लिखते हैं वन थ्री, इस वन थ्री ये ऑक्टल है चूंकि यहाँ इसका बेस क्या है एट है, हमको कन्वर्ट करना है 10 मींस बेस 10 है, मींस बेस 10 किसका होता है डेसिमल का होता है, इसलिए हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको काउंटिंग करना होगा, जैसे हम बाइनरी को जब डेसिमल में कर रहे थे फिर 0 1 2 3 काउंटिंग कर रहे थे, उसी तरह से इसमें भी काउंटिंग करना होगा 0 1 2 इसके अगर इंक्रीजिंग नंबर रहेगा फिर हम उसको काउंटिंग करते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम करेंगे नंबर मल्टीप्लाई बेस आपका 8 है पावर इसका 1 प्लस नंबर मल्टीप्लाई एट पावर जीरो, बिल्कुल सिंपल सा ये आपका टेन हो जाएगा, मीन्स ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब एट के पावर वन है यानी एट का वन ही होगा सॉरी एट ही होगा, एट थ्री जा 24 प्लस एट के पावर जीरो है जीरो का मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, यहाँ पे वन का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो वन हो जाएगा, यहाँ के मीन्स आपका टेन अलग गया बेस इसका, इसको हम करेंगे 25 हो जाएगा, 24 में 1 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, आपके 10 मिलेंगे, मतलब ये आपका क्या आ गया डेसिमल वैल्यू, ठीक है। हमने ऑक्टल से डेसिमल में चेंज किया बिल्कुल इजीली से, जैसे कि आप क्या कोई भी नंबर्स लिया उसको हमने नंबरिंग मींस किया काउंटिंग किया जीरो से स्टार्ट किया, पहले आपने आपको क्या करना पड़ेगा नंबर्स मल्टीप्लाई बेस, इस नंबर्स की पावर क्या है उस पावर को मैंने लिखा, फिर प्लस सेकंड नंबर मल्टीप्लाई बेस, सेकेंड नंबर की पावर क्या है जीरो है, फिर मैंने बेस को फाइंड किया, उसके बाद मैं इसके कैलकुलेशन को मैंने कर दिया, एट की पावर वन है तो एट थ्री होगा, एट थ्री जा 24 प्लस एट वन जा सॉरी यहाँ पे जीरो लगा है तो इसका वैल्यू वन आ गया, वन मल्टीप्लाई वन इक्वल टू वन हो जाएगा, फिर 24 प्लस वन करेंगे 25 आ जाएगा, 25 आपका डेसिमल वैल्यू आ जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो ये आपको समझ में आया, यदि आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने अदर फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, थैंक यू।